हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, अभी जो प्रीव्यू में आपने वीडियो सॉरी पिक्चर देखा, तो इस तरह की फोटो आप अपना बनाना चाहते हो तो गाइस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका फ्रंट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और गाइस आपको मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसे कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। यहाँ पे बिंग आपको सर्च कर लेना है, ठीक है? तो जैसे ही आप बिंग यहाँ पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे बिंग इमेज क्रिएटर करके एक ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे इमेज क्रिएट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस नेटवर्क अगर सही रहे तो काफ़ी फास्ट काम करता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मेरा पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 बचा हुआ है, बट आपके पास 15 होगा अगर फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आपको टाइप करना है, जो कि मैं आपको दे दूंगा, आप उसे सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। तो भाई ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है, 21 ईयर ओल्ड इंडियन बॉय इज स्टैंडिंग विथ फोल्ड टू हैंड विथ एट द केदारनाथ टेम्पल। मतलब यहाँ पे केदारनाथ टेम्पल के पास में एक लड़का हाथ जोड़ के खड़ा है, इस टाइप से फ्रंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे नाम भी गाइज लिखा हुआ है, तो नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, माउंटेन, एक सेकेंड गाइज, नाम यहाँ पे देख सकते हैं, ये नाम लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो इसे चेंज करके आप दूसरा कोई भी नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं इसे रहने देता हूँ। जैसे मनीष यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं रहने देता हूँ। अगर यही आप किसी गर्ल के लिए बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बॉय की जगह पे आप गर्ल टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे GIRL गर्ल टाइप कर देता हूँ, इज स्टैंडिंग विद फोल्ड। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी आप अगर चेंज करना चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे गर्ल्स टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? नेम मस्ट बी करेक्ट एंड विजिबल, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग लेगा, और देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, और कुछ टाइम में आपका जो इमेज है बनकर आ जाएगा। एक बार में 4 ठो इमेज बनकर आएगा, जो कि ये स्क्वायर साइज रेशियो में होता है, ठीक है? तो अगर आप उसे 9x16 में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आ गया। ओ सॉरी, मैंने नाम भी चेंज नहीं किया था, इसकी वजह से बॉय का ही इमेज आ गया, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे कर, और नाम यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ प्रिया, ठीक है गाइज? सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। 21 ईयर ओल्ड इंडियन गर्ल इज स्टैंडिंग विथ फोल्ड टू हैंड विथ एट द केदारनाथ टेम्पल द लॉर्ड शिवा इमेज इन लो ऑफ सिटी ऑन माउंटेन। ए गर्ल वेयरिंग स्पोन टी शर्ट एंड पैंट एंड नेम प्रिया राइट गोल्ड हॉर्न टी शर्ट लॉर्ड शिवा। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसमें कुछ भी आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास 11 पॉइंट बचा हुआ है, जो कि मैंने फिर से क्रिएट पे क्लिक किया, और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाएगा। बहुत जल्दी बनकर आ जाता है गाइज, अगर नेट सही आपका चल रहा हो तो यहाँ पे काफ़ी फास्ट ये काम करता है। और इससे आप एक दिन में 15 एक ईमेल से 15 इमेज क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो इमेज है बनकर आ चुका है, बट एक टाइम में यहाँ पे 3 इमेज ही आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे फिर से बना सकते हैं। मतलब इसमें अगर आपके पसंद लायक इमेज आ गया हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे फिर से आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और दूसरा इमेज फिर से बनकर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ फिर से क्रिएट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर से रिपीट होगा, और फिर से 3 4 जो भी इमेज बन कराना होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कई बार इसका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कई बार यूज़ किया है, सारी इमेज जो है मैं इसी से बनाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी इमेज आप नीचे में देख सकते हैं, तो ये सब यहीं से बन के आया है, देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो इमेज है क्रिएट होकर आ चुका है, तो आप काफ़ी ईजी स्टेप बना सकते हैं। और यहाँ पे और भी प्रॉम्प्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी चेंजेस करना चाहे, और आपके सामने इमेज जो आपका है वो बनकर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये बनकर तैयार हो चुका है, और काफ़ी स्टैंडिंग था। और इस टाइप का और भी एडिटिंग आप करना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।